हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 है एनसीईआरटी बुक है जिसमें अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न संख्या हमारा 9। 9 क्या दिया गया है, कह रहा है कि बिंदुओं ए माइनस दो दो और बी दो आठ को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ हम आ जाएंगे, हमारा एक बिंदु ए हो जाएगा, दूसरा बिंदु बी बन जाएगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं, एक बिंदु हमारा ए हो गया और दूसरा बिंदु हमारा बी बना। अब कह रहा है कि ए का निर्देशांक हमें दिया हुआ है माइनस दो दो है और बी का हमारा दे दिया है दो और आठ है। आगे क्या कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को चार बराबर है, इसको चार टुकड़ा करना है। तो यानी दो टुकड़ा हो गया, तीन टुकड़ा हो गया, चार टुकड़ा हो गया। तो ये चार बराबर भाग एक दो तीन चार, ये बराबर भागों के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लीजिए बिंदु P हो जाए, Q, R और S बन जाए। तो चूंकि ये हमारा मध्य बिंदु है, दोनों का मध्य बिंदु है, Q का निर्देशांक निकालेंगे तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे। तो हमें मिलता है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु बराबर होता है X1 प्लस X2 बटे दो, दूसरा होता है Y1 प्लस Y2 बटे दो होता है। तो क्यों मध्य में है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ हल, हल में आ जाएंगे क्यू का निर्देशांक। तो निर्देशांक क्यू का निकालेंगे तो ये हमारा एक्स वन वाई वन बनेगा और ये बन जाएगा हमारा एक्स टू वाई टू बन जाएगा। तो हमें मिल जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, दूसरा हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई टू बन जाएगा। आगे आ जाएंगे तो x1 का मान माइनस दो और x2 का मान दो है, तो हमें मिलेगा माइनस दो प्लस दो बटे दो हो गया। दूसरा दो और आठ है तो दो प्लस आठ बटे दो हो जाएगा। ये जीरो बन गया, जीरो बटे दो, दूसरा दो दस बटे दो आ गया। तो जीरो में दो का भाग दे देंगे जीरो आएगा और दस में दो का भाग दे देंगे पाँच आ जाएगा। तो हमारा क्यू का निर्देशांक एक ही आंसर बन जाएगा। दूसरा आ जाएंगे, अगर हम पी का निर्देशांक निकालते हैं तो लिखेंगे पी का निर्देशांक, तो हमें मिल जाएगा पी का निर्देशांक। तो पी के निर्देशांक के लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा Q का निर्देशांक पा चुके हैं जीरो और पाँच, तो ये जीरो और पाँच है तो इसका ये मध्य बिंदु है। तो ये X1 Y1 बनेगा, X2 Y2 बन जाएगा, यानी मिल जाएगा इसमें भी X1 प्लस X2 बटे दो और Y1 प्लस Y2 बटे दो हो जाएगा। अब X1 का मान माइनस दो मिलेगा तो माइनस दो, और x2 का मान यहाँ से आ जाएंगे क्योंकि इसका ये मध्य बिंदु है तो x2 हमारा जीरो बन जाएगा और बटे दो हो जाएगा। y1 का दो मिलेगा और y2 का पाँच मिल जाएगा और बटे दो हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो माइनस दो मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा माइनस दो बटे दो और दूसरा पाँच दो सात बटे दो हो जाएगा। दो में दो का भाग दे देंगे तो माइनस एक यहाँ मिल जाएगा और दूसरा सात बटे दो हो जाएगा। तो हमारा पी का निर्देशांक मिल चुका है, पी का मिला है हमें माइनस एक और सात बटे दो, तो ये हमारा पी का निर्देशांक बन जाएगा। इसी तरह से आर बिंदु जो है वह क्यू और यस का मध्य बिंदु है, तो हम क्या करेंगे, तो R बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे R का निर्देशांक, निर्देशांक। तो इसमें भी वही सूत्र, चूँकि दोनों का मध्य बिंदु है तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू
और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू बन जाएगा। अब यहाँ पर ये एक्स वन वाई वन बनेगा और ये हमारा एक्स टू वाई टू बन जाएगा। तो एक्स वन का मान जीरो प्लस एक्स टू का मान दो बटे दो होगा। वाई वन का मान यहाँ से हम पाएंगे पाँच और वाई टू का मान आठ बटे दो हो जाएगा। दो में दो का भाग दे देंगे तो एक आ जाएगा, आठ पाँच तेरह बटे दो हमारा दूसरा बिंदु हो जाएगा। तो हमें एक्स वाई यानी ए बी को चार भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो मिलेंगे वह हमारा बन जाएगा पहला आंसर पी का, और पी का निर्देशांक यहाँ से मिलेगा माइनस एक सात बटे दो हो गया। दूसरा आ जाएंगे क्यू, क्यू का निर्देशांक जीरो और पाँच होगा। तीसरा आ जाएंगे हमारा निर्देशांक एक और तेरह बटे दो हो जाएगा, और यही तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे। आगे आते हैं, अब हम प्रश्न संख्या दस को ले लेते हैं। तो दस क्या दिया है, कह रहा है हमारा एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं। तो यहाँ आ जाएंगे हम, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हमारा जो सम चतुर्भुज बनेगा उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। एक ए मान लेंगे तो ए का निर्देशांक तीन जीरो, दूसरा बी मान लेंगे तो बी का चार पाँच, और तीसरा सी मान लेंगे तो इसका माइनस एक और चार हो जाएगा, और चौथा डी मान लेंगे दो माइनस दो और माइनस एक बन जाएगा। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा मिलता है हल में सम चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है एक बटा दो विकर्णों का गुणनफल अर्थात डी वन गुणे डी टू। तो पहले हमें विकर्ण डी वन और डी टू चाहिए, तो दो विकर्ण एक ये एक ये यही दोनों निकालने हैं। तो हम निकालेंगे ए सी और बी डी का मान। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ए सी बराबर, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सी माने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे तो ये हमारा बनेगा एक्स वन वाई वन, ये बन जाएगा एक्स टू वाई टू। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है अंडर रूट में एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। तो एक्स वन का मान हमें क्या मिलेगा, यहाँ से तीन माइनस एक्स टू, एक्स टू का मान माइनस एक है तो एक माइनस सूत्र का और एक माइनस ए मिल के प्लस वन बन जाएगा, प्लस वाई वन, वाई वन का मान जीरो और माइनस वाई टू, वाई टू का मान हमें चार मिल जाएगा। तो यहाँ मिला कर्णी के अंदर तीन एक चार का स्क्वायर प्लस माइनस चार का स्क्वायर हो जाएगा, तो चार चौक सोलह बन जाएगा और माइनस का वर्ग भी प्लस होता है तो सोलह सोलह बत्तीस हो गया। बत्तीस माने सोलह गुणे दो और सोलह का वर्गमूल चार कर्णी में दो हो जाएगा। इसी तरह से आ जाएंगे दूसरा विकर्ण, हम बी डी निकालेंगे। तो यहाँ आ जाते हैं बी डी, ये बराबर भी अंडर रूट में यहाँ आ जाते हैं हम। तो बी डी के लिए हम आ जाएंगे तो ये हमारा एक्स वन वाई वन और ये हमारा एक्स टू वाई टू बन जाएगा। तो इसका भी फार्मूला एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आगे आ जाएंगे तो एक्स वन का मान हमें चार मिलेगा, माइनस एक्स टू का मान माइनस दो दिया है तो माइनस माइनस एक सूत्र का माइनस, एक ये मिल करके प्लस हो जाएगा और एक्स टू का मान हमें दो मिलेगा। फिर वाई वन का मान पाँच और वाई टू का मान माइनस है तो माइनस माइनस ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बन गया क्या, चार दो छः, छः का स्क्वायर छत्तीस, पाँच एक छः, छः का स्क्वायर छत्तीस, तो छत्तीस छत्तीस बहत्तर हो जाएगा यानी छत्तीस गुणे दो होगा, छत्तीस का वर्गमूल छः कर्णी में दो बन जाएगा। अब हमारे सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये है,
तो आगे आ जाएंगे क्षेत्रफल ए बराबर एक बटा दो डी वन गुणे डी टू, तो हमें मिलेगा एक बटा दो डी वन का मान, यही जो ए सी आया यही डी वन हो गया। दूसरा विकर्ण जो हमें मिला बी डी, यही हमारा डी टू बन गया। तो डी वन का मान चार कर्णी में दो, तो यहाँ आ जाएंगे एक बटा दो गुणे चार कर्णी में दो हो जाएगा। दूसरा छः कर्णी में दो मिल जाएगा, छः कर्णी में दो। आइए इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो हम ले लेते हैं यहाँ, तो एक बना एक बटा दो और चार कर्णी में दो, दूसरा छः कर्णी में दो बन गया। तो दो दूनी चार, छः और दो का गुणा हो गया बारह बन गया, कर्णी में दो गुणे कर्णी में दो दो हो गया और बारह दूना चौबीस बन जाएगा। अब हमारा यहाँ जो मान दिया गया था किसी मात्रक के रूप में नहीं है, इसलिए इतना वर्ग इकाई और यही हमारा क्षेत्रफल बन जाएगा और यही हमारा आंसर होगा 24 वर्ग इकाई। तीसरा हमारा क्वेश्चन 9, 9 और 10। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।